हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं ट्रेवलिंग शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे ऋषिकेश के होटल्स के बारे में, जो कि बजट फ्रेंडली है और आप उन्हें इजीली बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू होटल्स इन ऋषिकेश। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो होटल है वो है SE होटल ग्रैंड आर्यावर्त। ये तपोवन में पड़ेगा और लक्ष्मण झूला के बहुत ही पास में है। जो रेटिंग है इस होटल की वो है 3.4 out of 5 और ये आपको पड़ जाएगा 700 rupees to 1000 rupees पर डे। काफी बजट फ्रेंडली होटल है, आप इसे इजिली बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं और इसमें आपको फ्री पार्किंग भी मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे है होटल फॉर यू, ये भी लक्ष्मण झूला के पास में ही है। 1 kilometer की डिस्टेंस है अप्रोक्स लक्ष्मण झूला और इस होटल की। जो रेटिंग है इस होटल की वो है 3.8 out of 5 और ये आपको पड़ जाएगा 1100 rupees to 1400 rupees पर डे। काफी अच्छा होटल है, रूम्स भी काफी नीट एंड क्लीन है, तो आप इसे इजिली बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है होटल शिव गंगा, ये भी लक्ष्मण झूला के पास में है, तपोवन में ये पड़ता है। 1 kilometer की डिस्टेंस है लक्ष्मण झूला और इस होटल की। जो रेटिंग है इस होटल की वो है 3.7 out of 5 और ये आपको पड़ जाएगा 850 to 1100 rupees पर डे। काफी अच्छा होटल है और बजट फ्रेंडली भी है, तो ये आप इजिली बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं और इसमें आपको फ्री पार्किंग भी मिल जाएगी। नंबर फोर्थ पे है SE होटल गंगा वर्धन, ये भी लक्ष्मण झूला के पास में ही है। 1 kilometer की डिस्टेंस है लक्ष्मण झूला और इस होटल की, तपोवन में ये पड़ता है। इसकी रेटिंग है 3.6 out of 5 और ये आपको पड़ जाएगा 800 rupees to 1000 rupees पर डे। काफी अच्छा होटल है और बजट फ्रेंडली भी है, रूम्स भी काफी नीट एंड क्लीन है, तो आप इसे इजिली बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें भी आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी। नंबर फिफ्थ पे है शिव रिजॉर्ट, ये भी लक्ष्मण झूला के पास में ही है। 1 kilometer की डिस्टेंस है लक्ष्मण झूला और इस रिजॉर्ट की। जो रेटिंग है इस रिजॉर्ट की वो है 4.2 out of 5 और ये आपको पड़ जाएगा 850 to 1000 rupees पर डे। काफी अच्छा होटल है, रूम्स भी काफी नीट एंड क्लीन है, तो आप इसे इजिली बुक कर सकते हैं। नंबर सिक्स पे है होटल तपस्थली, ये 750 meter की डिस्टेंस है लक्ष्मण झूला और इस होटल की। 5 minutes की वॉकिंग डिस्टेंस है और जो रेटिंग है इस होटल की वो है 4 out of 5 और ये आपको पड़ जाएगा 900 rupees to 1200 rupees पर डे। काफी अच्छा होटल है, रूम्स भी काफी नीट एंड क्लीन है, लक्ष्मण झूला के पास में, तो आप इसे इजिली बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर सेवेंथ पे है ओयो 76289 गंगा एम्बियंस, ये भी लक्ष्मण झूला के पास में ही है। 900 meter की डिस्टेंस है लक्ष्मण झूला और इस होटल की। जो रेटिंग है इस होटल की वो अभी अवेलेबल नहीं है, ये न्यू होटल है और जो प्राइस है इस होटल का वो 1200 rupees to 1400 rupees पर डे का है। तो काफी अच्छा होटल है, लोकेशन भी काफी अच्छी है, तो आप इसे बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर एट्थ पे है होटल ऑरेंज क्लासिक, ये लक्ष्मण झूला से थोड़ा सा दूर है, अप्रोक्स 8 kilometer की डिस्टेंस है लक्ष्मण झूला और इस होटल की, लेकिन ये काफी बजट फ्रेंडली है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 600 rupees to 800 rupees पर डे का है और जो रेटिंग है इस होटल की वो है 3.2 out of 5। तो काफी अच्छा होटल है, थोड़ा सा दूर है, बट आप इसे बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर नाइन्थ पे है निशांत गार्डन रिजॉर्ट, ये लक्ष्मण झूला के पास में तपोवन में पड़ता है। अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है लक्ष्मण झूला और इस रिजॉर्ट की। जो रेटिंग है इस रिजॉर्ट की वो 3.6 आउट ऑफ 5 है और ये आपको पड़ जाएगा 850 to 1000 rupees पर डे। काफी अच्छा होटल है और बजट फ्रेंडली है, तो आप इसे इजिली बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर टेंथ पे है हिल टॉप स्विस कॉटेज, ये लक्ष्मण झूला से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। काफी अच्छा होटल है, लोकेशन भी काफी अच्छी है। जो रेटिंग है वो 4.3 आउट ऑफ 5 है, बहुत ही अच्छी रेटिंग है और जो प्राइस है वो 1500 rupees to 1800 rupees है। काफी अच्छा होटल है, रूम्स भी काफी नीट एंड क्लीन है, तो आप इसे बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लिस्ट थी ऋषिकेश के होटल्स के बारे में जो कि लक्ष्मण झूला के पास में है, आप इन्हें इजिली बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप होटल्स की बुकिंग करते हैं तो एटलीस्ट 30 days पहले ही एडवांस से बुकिंग कर लें ताकि आपको कम प्राइस में अच्छा होटल मिल जाए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।